लेटेस्ट न्यूज़। आज हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन फरीदाबाद में कुछ खास हो रहा है। किसान भवन में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेसी आज क्या कर रहे हैं। आप ज़रूर देखिए, शेयर भी कीजिए। आपको अगर कांग्रेसियों का काम अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अंदर, किसान भवन के अंदर बहुत लोग आए हैं, आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए सेवा ही संकल्प लिखा हुआ है और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल लगी है। भाई साहब नमस्कार जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है जी। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, किसका है भाई साहब? ये सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, सिविल हॉस्पिटल से ये लोग आए हैं, स्टाफ हैं, और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और कांग्रेस ने इसको आयोजित किया है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग आए हैं। नाश्ता पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पर, जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं वॉलंटियर्स हैं। और इधर दिखाइए, इधर स्टाफ है सिविल हॉस्पिटल का, आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया। पहले चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसके बाद ब्लड डोनेशन किया जाता है। तो आइए अंदर चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पर। इधर दिखाइए, ये कांग्रेस के तमाम नेता आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। आइए अंदर चलते हैं, अभी लोगों से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है इसको ये थैली में रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर भी व्यवस्था है। नेता जी भी हैं, नमस्कार नेता। नमस्कार जी, आज क्या हो रहा है यहाँ? आज हमारी कांग्रेस की हरियाणा की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है। उनने वैसे तो मना कर दिया था जन्मदिन मनाने के लिए। ब्लड एक ऐसी चीज़ है दूसरे की जान बचा सकती है। पूरे प्रदेश में हर जिले में हर एक जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। जो किसानों पर लाठीचार्ज धरने में बैठे हैं, कुमारी शैलजा ने डिसीजन लिया, भाई किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, हम जन्मदिन ही मनाएंगे। तो कार्यकर्ताओं ने ये डिसीजन लिया, भाई हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, आम जनता की गरीब की मदद कर सके और आम आदमी की जान बचा सके। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना है, ब्लड इकट्ठा करना है ताकि वो ज़रूरतमंदों के काम आए, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है जो कई लोगों की जान बचाती है। बिल्कुल, गरीब की मदद के लिए, आम आदमी की मदद, जो बेसहारा लोग हैं उनकी जान बचाने का जो काम करेंगे। धन्यवाद नेताजी। तो आइए अंदर चलते हैं, ये देखिए सारे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? माजिद नाम है। माजिद जी, आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या सोच के? सर अच्छा काम है इसलिए कर रहे हैं। अच्छा काम है, हाँ। नहीं आज खास दिन भी तो है। हाँ मैडम का जन्मदिन है इसलिए। बिल्कुल सर, दिन है, खास दिन है, तो खुशी के साथ जोश के साथ कर दिया भाई साहब। क्या नाम है? शब्बीर सैफी। शब्बीर जी, शब्बीर नाम है, आपने कर दिया ब्लड डोनेशन? जी कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं ताकि वो ब्लड ज़रूरतमंदों के काम आए, किसी की जान बचाने के काम आए। और इधर भी देखिए ये तमाम लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं, हाँ भागना जी, और सभी तमाम नेता हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग। तो जोश के साथ यहाँ पर ब्लड डोनेशन हो रहा है, अभी भाई से बात भी करेंगे। इधर दिखाते हैं आपको, तमाम नेता हैं जिले के, इधर दिखाइए इधर दिखाइए इधर दिखाइए। नमस्कार नेता। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? संजय त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। आज आपने ब्लड डोनेशन किया है, क्या सोच के? आजकल जो हो रहा है इतनी ये हो रही है, आपका महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, ब्लड की कमी पड़ रही है, तो इसलिए हमने ब्लड का कैंप रखा है, इसलिए ब्लड दिया है। नहीं आज हमें पता चला मैडम का जन्मदिन भी है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मैडम का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमने ब्लड यहाँ कैंप लगाया गया। अच्छा। तो उसके उसमें कितना ब्लड इकट्ठा हो रहा है आज? कम से कम 150-200 ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो जाएगा जो ज़रूरतमंदों के काम आएगा।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार नेताजी, क्या सब बढ़िया? आप बताइए, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, कितना ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा खास क्या दिन है आज? ये हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का जन्मदिवस है, उस उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी फरीदाबाद की तरफ से ये आयोजन किया गया है। कितना इकट्ठा हो जाएगा ब्लड आज, कितनी की उम्मीद है? हमारा 150 प्लस का टारगेट है, जो कि तकरीबन अचीव हो चुका है। अचीव हो चुका है, कितने लोगों ने कर दिया? 100 प्लस हो चुके हैं, 150 का है तकरीबन हो जाए। आप लोग देख सकते हैं 100 प्लस लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है और काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो जाएगा जो ज़रूरतमंदों के काम आए। जी, आज हमारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा का जो जन्मदिन है, उन्होंने जन्मदिन ना मना के गरीबों की मदद करने के लिए, कोई वृद्धाश्रम हो या कोई बच्चों का कोई स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, इस तरह की मदद करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा लगे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जो बहुत ही नए काम है। अपना जन्मदिन ना बना के अपने जन्मदिन को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गरीब लोगों के लिए। जी धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा काम है। तो लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं युवाओं में जोश है। फागना जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम भैया विकास फागना। विकास जी, आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या सोच? देखो जी, रक्तदान तो महादान है और हमारी आज कांग्रेस की कुमारी शैलजा जी का बर्थडे भी है, तो उसके उसमें बर्थडे के उसमें किसी उसका किसी भी बच्चे का, किसी भी गर्भवती महिला का जिसको खून की जरूरत हो, मेरा खून मिल जाए, उसका भला हो जाए, तो इससे महान की क्या बात होगी। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बढ़िया लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही जी, ऐसा काम, ये तो महान काम, मैं तो कह रहा हूँ सबको करना चाहिए। जितने भी युवा पबजी पे और इन सब चीज़ों पे लगे रहते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के ऐसे महान कार्यों में आगे बढ़ें तो देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी युवा भी आगे बढ़ेंगे और सबको मोक्ष प्राप्त होगा। विकास जी का कहना है कि जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते रहते हैं, उससे बढ़िया है सामाजिक काम करें, ब्लड डोनेट करें, लोगों की जान बचाएं। अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो ज़रूरतमंदों के काम आएगा, बहुत सारे लोगों की जान बचेगी। हाँ जी, ठीक है, यही बिल्कुल जी यही कहना है। देख सकते हैं तमाम लोग ब्लड डोनेट यहाँ पर करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? उवैस खान। उवैस खान। उवैस खान है, ब्लड डोनेट कर दिया आपने? जी कर दिया। सही लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही मैसेज देना है कि भाई ब्लड डोनेट सबको करना चाहिए, इससे कोई कमजोरी तो आती है नहीं। तो सर का कहना है ब्लड डोनेट सबको करना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, कमजोरी नहीं आती और लोगों की जान बचती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। सर नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार, क्या हाल है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सुनाए, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है। जो देश में और प्रदेश में हालात हैं, जिस तरह से अन्नदाता दुखी इस मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी सड़क पर बैठा है और गुहार कर रहा है अपने बचाव के लिए, उन सब हालातों को देखते हुए मैडम का दिशा निर्देश था कि मैं अपने जन्मदिन को नहीं मनाऊंगी। यदि आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जनसेवा के लिए आप जो कुछ करना चाहें वो करें। तो उन्हीं के दिशा निर्देश में, उनकी भावनाओं से प्रेरणा लेते हुए फरीदाबाद कांग्रेस परिवार ने ये फैसला लिया कि हम रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। तो आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन है, हमारे कांग्रेसी परिवार के विचारधारा के लोग आप देख रहे हैं सुबह से ही रक्तदान कर रहे हैं। देख रहा हूँ यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया, जोश दिख रहा है लोगों में, ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही, टाइम पास किया जा रहा है, वाकई में लग रहा है कि ब्लड डोनेशन हो रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद बिलाल, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं हम, उन्होंने सब वर्करों को, नेताओं को कहा कि इस साल हम अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे और रक्तदान शिविर हर ज़िले में आयोजन किया गया है और उसी कड़ी में ये फरीदाबाद में भी रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इस ब्लड डोनेट के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरत पूरी होती है, क्योंकि रक्तदान जो है ये महादान माना जाता है, तो इसमें सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सादगी के साथ में बहन कुमारी शैलजा जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया सादगी से जन्मदिन मनाया जा रहा है, ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं तमाम लोग हैं और जोश के साथ ब्लड डोनेशन हो रहा है। गौरव जी से बातचीत करेंगे, गौरव जी बताएंगे कैंप के बारे में, गौरव जी से बातचीत करेंगे, बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर।
आज ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्या सोच के किया जा रहा है, कितना ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और आगे क्या होगा? सर, नंबर के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जा रहे। हमारा एक अध्यक्षा जी का जन्मदिन है, कुमारी शैलजा जी का, और अध्यक्षा जी ने इस बार अपने मतलब मन की आवाज़ को सुनते हुए ये बोला जी मैं इस बार कोई जश्न नहीं मनाऊंगी, कोई केक नहीं काटूंगी, कोई जन्मदिन का मतलब इस तरीके से नहीं मनाएंगे। तो फिर सभी कार्यकर्ताओं का एक मन था कि पूरे हरियाणा में हर ज़िले के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप आज के दिन लगाने जा रहे थे। हर ज़िले के अंदर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, और क्योंकि गरीब महिलाएँ जो गर्भवती भी हैं, जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं या जो एक्सीडेंटल केस हैं, उसके लिए सभी जिलों के अंदर सिविल अस्पताल के अंदर हम लोग ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ताकि और इससे जो है ना एक संकल्प दिवस के तौर पे, एक सेवा दिवस के तौर पे हम लोग इसको आगे मना रहे हैं। बहुत सारे लाइव देख रहे हैं फरीदाबाद के लोग, अगर कोई ब्लड डोनेशन करना चाहे तो कितने बजे तक है और क्या व्यवस्था है? सर, ये हमने सुबह 10 बजे से शुरू किया था और शाम 3 बजे तक हमारा ये ब्लड डोनेशन चलता रहेगा। उसके बावजूद भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है, उसके लिए हम वेट करेंगे, चाहे शाम 5 बज जाए। हम तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर ब्लड डोनेशन करना चाहें तो 3 बजे तक आ सकते हैं। आपको ज़रूर यहाँ पर अगर ब्लड देना चाहते हैं तो ब्लड दे सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। सेवा ही संकल्प जो इनका आज संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचानी है, उसको पूरा करें और इनका साथ दें, कांग्रेस का साथ दें। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।